रंजना, आज हम वर्चुअल ब्रेडबोर्ड के बारे में समझेंगे। वर्चुअल ब्रेडबोर्ड का मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर पे इस वर्ड पे अपने सर्किट को बनाते हैं ताकि हम लोग इंटरनल कनेक्शन जो भी सर्किट की होती है हम समझ पाएँ, और फिर हम लोग उसको पीसीबी पे डिज़ाइन करते हैं तो हमारा सर्किट काफ़ी इजी हो जाता है समझने में और हम उसको एक्यूरेटली बना पाते हैं और कोई भी एरर आने के चांसेस कम हो जाती है। और सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग योर टाइम। दिस इज़ द वर्चुअल ब्रेडबोर्ड सॉफ्टवेयर एंड हियर यू गोज टू द न्यू एंड ओपन। आफ्टर दिस इज़ द ब्रेडबोर्ड एंड लिव हियर एंड इफ यू वॉन्ट टू डू जूम देन जूम इन एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू जूम इन जस्ट लिव इट एंड हियर इज LED जस्ट ड्रैग इट टू हियर एंड दिस इज़ अ सप्लाई दिस इज पॉजिटिव सप्लाई द पुट हियर इज अ पॉजिटिव सप्लाई एंड फॉर नेगेटिव पुट हियर द नेगेटिव सप्लाई एंड जस्ट कनेक्ट द वायर टू द LED एज यू नो दैट दिस इज अ पॉजिटिव सप्लाई सो कनेक्ट दिस पॉजिटिव सप्लाई एंड लिव इट हियर जस्ट लिव इट हियर एंड नाउ आई चेंज द कलर ऑफ द वायर green and just drag this wire to the negative terminal of the LED. Just leave it from here. Just take few time. This is okay. This is happened. And now I see the output what will affect on the circuit. Now friend, this is the output of this LED. When we give the power positive supply, the positive LED lag and negative to negative lag, this the LED is glow. And if aapki agar circuit mein aap galat connection kar dete hain to kya hone wala hai circuit pe effect. So fir hum log isko edit karke dekh dete hain. Stop isko kar dein yahan pe. रिटर्न टू हम लोग अपने साइज पे आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने इस सर्किट में कोई कनेक्शन गलत कर दिया तो क्या होगा इस सर्किट में। और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया और मैं इसको फिर से मैंने क्या किया इसको रन करा दिया तो आपको देखेंगे कि ये LED वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमने कनेक्शन गलत किया है और इसलिए हम लोग फिर से इसको स्टॉप कर देते हैं। और मैं इसको फिर से सही करके आपको दिखा रही हूँ। इसको आप फिर से सही कर लीजिए, इसको ड्रैग कीजिए और इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाइए। ये हमारा एक बार हम सर्किट को चेक कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टेल लेग था तो हमने पॉजिटिव दिया, नेगेटिव को नेगेटिव दिया। अब इसके बाद हम रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे आउटपुट में LED ग्लो करने लगी। तो ऐसे हम लोग सिंपली हम लोग ब्रेडबोर्ड के बारे में समझ सकते हैं और कोई भी सर्किट कम्प्लेक्स सर्किट को भी हम लोग इस सर्किट पे वर्चुअल सर्किट ब्रेडबोर्ड पे हम लोग समझ सकेंगे। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड शेयर फॉर अ सच मोर वीडियो एंड प्लीज़